In our earlier lecture, we have already discussed regarding the thermodynamics, that is the introduction of thermodynamics. Thermodynamics होता क्या है, जिसमें हमें देखना पड़ता है एनर्जी ट्रांजेक्शंस. और अगर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं एनर्जी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. एनर्जी ट्रांजेक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन, जो हमने डिस्कस किया था. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स. हम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो हमने लास्ट में डिस्कस किया. चलिए अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखें तो हम डिफरेंट टर्म्स के बाद हम मेन थर्मोडायनेमिक्स में अंदर जाने की कोशिश करें. देखिए थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले चलिए हम एक एनर्जी लेते हैं, दैट्स एन एनर्जी वर्क. वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो हम पहले सबसे इस चीज को देखते हैं. पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स में हमें वर्क कैसे देखना है तो उसके बारे में हम डिस्कस करें. वर्क आप समझते हो इज डन बाय फॉर्म ऑफ, दैट मीन वी कैन, हम एक तरीके से समझ सकते हैं वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. दैट मीन क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए. जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा कि अगर आपको बोला जाता है कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसको मूव करना है, इसको यहां से इस पोजीशन से, चले यहां से मैं लेता हूं, यहां से यहां तक मूव करना है, हमें ये ब्लॉक यहां चाहिए, ठीक है, तो इसने डिस्टेंस एक्स ट्रैवल करनी है, तो आप फोर्स लगाते हो, इस पे फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से ये यहां से ये ट्रैवल करता है, तो आपको बोला जाता है बताइए वर्क कितना किया आपने, फोर्स इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट. करते हैं ना हम मोस्टली फिजिक्स में ये टाइप ऑफ वर्क देखते हैं. और देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग वर्क्स, ठीक है. अगर अब हम यहां की बात करें कि हमें वर्क को यहां पर कैसे देखना है, मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसपे हम फोकस करते हैं. चलिए आपने इसमें पानी ले लिया, ठीक, आपने इसमें पानी ले लिया. जब आपने इसमें पानी लिया और ये साथ में कह रहे हो ये जो प्रोसेस है, ये जो वॉल्स है, जो यहां की दीवारें है इस सिस्टम की, जो ये कंटेनर आपने लिया है, आपने इसको रखा है एडियाबैटिक वॉल्स. क्या क्या रखा है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल, दैट मींस नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. सिस्टम क्या है, ये है आपका सिस्टम, इसके बाहर जो भी चीजें हैं दैट इज सराउंडिंग. जैसे मैंने आपको लेक्चर सेकंड में समझाया था, जिस पे हम फोकस होते हैं, जिस पे हमें काम करना है उसको हम सिस्टम कहते हैं, उसके बाहर जितनी भी चीजें हैं दैट इज सराउंडिंग्स. तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैंने जो ये वॉल डाली, इट इज एन एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक मतलब कि ये बाहर से कोई हीट नहीं लेगा और अंदर से कोई हीट बाहर नहीं भेजेगा, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस. इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, या जो ये वॉल है, कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल, याद रखा वर्ड एडियाबैटिक, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा. चलिए मुझे इसमें काम करना है, हीट तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने कहा कि इसमें हम बाहर से हीट नहीं देंगे, एडियाबैटिक है. तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप ऐसे कर सकते हो ना कि देखिए मैं यहां पर एक पैडल फिट करूं, एक स्टायरर या पैडल जिसको बोलते हैं वो फिट कीजिए आप. जब आप वो पैडल फिट करेंगे तो आप इसको चर्न कीजिए, चर्न मतलब रोटेट कीजिए. जब आप इसको कर्शिर पर डेफिनेशन द्यून इज द मोस्ट पैडल, जब हम इसको पैडल देंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा ना, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. दैट मींस आप वहां पर काम कर रहे हो लेकिन आपने बाहर से हीट नहीं दी,
तो ये भी एक तरीका है काम करने का कि आपने सिस्टम रखा, इट इज एन एडियाबैटिक सिस्टम, फिर उसमें एक पैडल डाला, पैडल को मूव कर रहे हो, जब आप मूव कर रहे हो तो ये अंदर चर्निंग कर रहा है, चर्निंग की वजह से क्या होगा, चर्निंग की वजह से वहां पर हीट जनरेट होगी, अंदर ही हीट जनरेट हो गई जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो काम तो हो गया वहां पर, मैकेनिकल वर्क हो गया। या आप एक और काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप ये पैडल वैडल इसमें डाल दो, पैडल नहीं डालते, कुछ और चीज डाल देंगे, अगर मैं ये करूं, मैं इसमें डालूं इमर्शन रॉड, हीटिंग रॉड, जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट देके हीट जनरेट यहां कर सकते हो, इट इज एन इमर्शन रॉड, पानी गर्म करते हैं जैसे पानी हम गर्म कर सकते हैं, हमने रॉड डाली, पानी में डाल दी, इसको करंट से जोड़ दिया, यहां से इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, तो वहां से इसमें हीट जनरेट हो सकती है जिसकी वजह से पानी ये गर्म हो जाएगा, तो ये भी तो एक काम है, ठीक है। तो इस तरीके काम हम यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट प्रोसेस, जैसे मैंने यहां पर कहा इट इज एन एडियाबैटिक, बाहर से हीट नहीं देना है इसको, न ये लूज करेगा, ऐसा काम हम कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है काम करने का। चलिए अब हम जनरल डायरेक्टली जाते हैं कि जो हमें ज्यादा काम आएगा इस थर्मोडायनेमिक्स में, हमें किस टाइप का काम यहां पर देखना है, चलिए हम उसकी बात करते हैं जो मोस्टली हमें यहां पर यूज होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमें ज्यादा पूछा जाएगा, दैट इज रिगार्डिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करके, ठीक। चलिए पहला कंडीशन इसमें हम ये लगाते हैं, हम करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन लगा के, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, हम काम करेंगे कौन सा वाला, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। यू पीपल नो दैट आइसोथर्मल, तो आपने वर्ड सुना ही होगा कि आइसोथर्मल का मतलब होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, काम करना है लेकिन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर आप चेंज नहीं करेंगे, दैट इज डीटी चेंज इन टेम्परेचर, डीटी इज जीरो, ठीक है, टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये आपको आगे आगे समझ आ जाएगा कि इरिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, ये आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा जैसे हम काम में आपको दिखाऊंगा कि करना कैसे है। चलिए हम काम कर रहे हैं लेकिन कौन सा काम, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशन लगा के, ठीक है, हमें आइसोथर्मल करना है और इरिवर्सिबल करना है, एंड यू पीपल कैन नो व्हाट दिस इरिवर्सिबल इज। चलिए मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब जो स्टडी में है, इसमें ये लीजिए, ये यहां पर पिस्टन है इसका, पिस्टन ढक्कन ठांड या मनाज पिस्टन है यहां पर इसका, इसमें गैस है, इसमें आपने गैस मॉलिक्यूल्स को रखा है, ज्यादातर हम गैस सिस्टम पे देखते हैं, तो चलिए मैं गैस यहां पर मैंने एक आइडियल गैस इसमें रख दी, आइडियल गैस, ठीक। इसका वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम है यहां पर जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है, ये लीजिए इसका वॉल्यूम है वी आई, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम, ठीक। इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर होगा जो हम हाथ से इसको धक्का दे सकते हैं, दैट इज इसके ऊपर प्रेशर है पी एक्सटर्नल, प्रेशर कौन सा, एक्सटर्नल वाला बाहर से, क्योंकि प्रेशर अंदर भी होगा जिस, दैट इज नोन एज पी इंटरनल, वो किसकी वजह से होगा, वह गैस की वजह से होगा, वो प्रेशर जो है एक्सटर्नल है वो कितना होगा वो हम पे डिपेंड करेगा, हम इसके ऊपर कितना प्रेशर बाहर से रखेंगे, ठीक।
तो ये मेरे पास सिस्टम है जिसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई हमने रखा और बाहर से जो प्रेशर है दैट इज पी एक्सटर्नल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेशन कर रहे हैं. कंप्रेशन करना दैट मीन इस पिस्टन को नीचे लाना है. ठीक, तो क्या होगा अगर हम पिस्टन को नीचे लाएंगे, ये पहले यहां था इसका पोजीशन, अब ये यहां पहुंच गया. This is V final. आपने कंप्रेस किया, पिस्टन को दबाया, जब पिस्टन को दबाया ये अंदर चला गया. ठीक है, कंप्रेशन आप कर सकते हो. तो अब इसकी पोजीशन क्या है, V final. आपने ऑब्वियसली एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाया था, अंदर जो प्रेशर है दैट इज इंटरनल प्रेशर, वो गैस की वजह से है. बाहर जो प्रेशर है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर जो आप रख रहे हो. आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा दैट मीन बहुत ज्यादा रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पिस्टन एकदम से अंदर चला गया. ठीक है ना, वो इतना अंदर चलेगा जब तक जो अंदर वाला प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के बराबर ना हो. ठीक, दैट मीन इसमें दोनों साइड से प्रेशर है, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल. ये अंदर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर एक्सटर्नल ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेशर इंटरनल. लेकिन ये तब तक अंदर जाएगा जब तक अंदर वाला प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके, एक्सटर्नल प्रेशर. दैट मीन ये लिए दबाओ क्या हो जाएगा, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर बन जाएगा, फिर ये एक जगह पे रुक जाएगा. ठीक, तो पिस्टन आपने बाहर से जो ऊपर वाली पोजीशन थी उसे नीचे कर दिया, इसको बोलते हैं कंप्रेशन आपने किया इसका. तो फाइनली आपका वॉल्यूम हो गया VF. कितना, अगर कोई पूछे कितना अंदर जाएगा, ये तब तक अंदर जाएगा जब तक इंटरनल प्रेशर बराबर ना हो जाए किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, तब तक ये अंदर चला जाएगा इसका पिस्टन. चलिए ठीक है, आपने पिस्टन लिया, इसको दबा दिया, ये पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे चला गया. था ये यहां पर, ये था यहां पर, जैसे इस डायग्राम में दिखाया पहले, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी वी आई और ये इसकी फाइनल पोजीशन. नाउ दिस इज द फाइनल वॉल्यूम हियर. इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की पिस्टन ने डिस्टेंस ट्रैवल की, लीजिए एल. एल क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन. Distance traveled by piston. तो काम हो गया ना. This type of work is known as pressure volume. क्योंकि volume change हो गया. Pressure आपने कौन सा रखा था, External pressure. ठीक है, External pressure change नहीं हुआ, आपने जितना भी रखा था उतना था, लेकिन ज्यादा था as compared to internal pressure. जिसकी वजह से क्या हुआ, वो compress हो गया. External pressure जितना था वो उतना ही है. That means इस process में pressure change नहीं हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ. इंटरनल प्रेशर तो चेंज हो गया लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ. आपने इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर रखा जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गया. ठीक है, इंटरनली प्रेशर तो चेंज हो गया लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो इसमें है दैट इज अ कॉन्स्टेंट. तो इसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट है. वॉल्यूम चेंज हो गया इनिशियल टू फाइनल, एक दम से एक झटके से क्या हो गया, जैसे ही आपने प्रेशर ज्यादा रखा था यहां पर तो ये नीचे आ गया. ठीक है, तो आपने काम किया इसमें, कंप्रेशन किया. नाउ अब हम इस वर्क को देखना चाहते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. वर्क हमें पता है कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे फिजिक्स में आप लिखते हो, दैट इज एफ इंटू या एल, या मैं इसको लिखूं डेल्टा एल, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, तो यहां पर डेल्टा एल लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पिस्टन, फोर्स इंटू दिस. इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना,
work force F divided by A, A is the area, इसका cross sectional area कितना है, cross sectional area that is A, मैंने F को खुद से A नीचे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, ये मैंने डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई किया इससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए. नाउ फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज अ प्रेशर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P into A into delta L. यहां पर आपने क्या किया, फोर्स F by area is equivalent to P. P is the what? Pressure. Force per unit area is pressure. तो आपने pressure लिया. अब W is equivalent to P into A into delta L. P into A into delta L. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर A into L. एरिया को अगर लेंथ मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या बनेगा, वॉल्यूम. नाउ डेल्टा है, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है ना, एरिया जितना है वो तो उतना ही है, इसका एरिया चेंज नहीं हुआ, खाली चेंज हो गई डेल्टा एल, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया ए इंटू डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वी, दैट इज डेल्टा वी. व्हाट इज डेल्टा वी, इज चेंज इन वॉल्यूम. P is pressure. What delta V is? Delta V क्या है यहां पर, change in volume. तो generally जो हमारे पास pressure volume work होती है हम उसको ऐसे लिखते हैं W is equivalent to P into delta V. ठीक है, ये आपने डिराइव करके देखा, हम वर्क को लिख सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, हाँ लिख सकते हैं हमने, क्योंकि मेन जो डेफिनेशन थी वर्क की वो हम लिखते थे एफ इंटू एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहीं से हमने डिराइव करके लाया. तो हमने यहां पर अपने सिस्टम के लिए लिखा इस वक्त डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, वायर पी इज द प्रेशर. वट प्रेशर, कौन सा प्रेशर आप लिख रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. और V क्या है, V is the change in volume. वो कितना है change in volume, that is V final minus V initial. निकाल सकते हो ना change in volume, कि initially कितना volume था, final कितना volume है, minus करोगे initial. ठीक है, तो we can also write, हम लिख सकते हैं ऐसे भी W is equivalent to P external delta V. ठीक, external pressure change हुआ नहीं, ये constant था, external pressure change नहीं हुआ, ये constant था, change क्या हुआ, volume change हो गया, क्योंकि यहां पर length change हो गई. वहां पर आप लिख सकते हो delta V किसके बराबर, V final minus V initial. ठीक है, ये ऐसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिखते हैं. लेकिन अब देखिए कुछ कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशन दैट मीन जिसको रखा गया है साइन कॉन्वेंशन. फिजिक्स में ये आपको डिफरेंट मिलेगा, यहां पर हम डिफरेंट करते हैं. क्या बोलते हैं, ये आपको याद ही रखना है, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क done on the system is positive that is compression. और work done by the system work done
by the system is negative cub, that is expansion. अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जैसे आप कंप्रेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप कंप्रेस कर रहे हो गैस को, तो दैट मीन्स वो वर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, उसका साइन रहना चाहिए लास्ट में पॉजिटिव। ये थर्मोडायनेमिक्स आपको कह रहा है, आप कुछ भी करो वो लास्ट में पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम खुद काम करेगा, दैट मीन्स पिस्टन यहां से खुद यहां चला गया, दैट इज एक्सपेंशन, ठीक है ना। अगर इसको कहेंगे कंप्रेशन, यहां से अगर ये यहां चला गया उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे ना। तो उस वक्त नेगेटिव होना चाहिए वर्क, किसी भी तरीके से नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री में कन्वेंशनली आपको लेना है ऐसे। जब सिस्टम पे काम किया जाता है तो वो पॉजिटिव वर्क मानी जाती है, और जब सिस्टम काम करता है दैट इज एक्सपेंशन, तो वो नेगेटिव वर्क मानी जाती है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव कंप्रेशन, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एक्सपेंशन। अब ये जो साइन कन्वेंशन है वो अपनी इक्वेशन में कैसे डालोगे, वो अपनी इक्वेशन में कैसे डालोगे, देखिए आपको क्या करना है। ये जो आपकी इक्वेशन है आपको खुद से इसको लिखना है। अब ये याद रखा ना, पॉजिटिव आनी चाहिए कब, डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव कब आना चाहिए, जब एक्सपेंशन हो। चलिए हमने क्या किया था, हमने किया था इस वक्त कंप्रेशन, कंप्रेशन में हमने इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये था, ऑब्वियसली ज्यादा वॉल्यूम कब था, इनिशियली जब आपने कंप्रेस किया तो फाइनल वॉल्यूम क्या था, फाइनल वॉल्यूम कम होगा। तो डेल्टा वी कैसे निकलता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा ना बेटा, तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। जब डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो ये सारी टर्म नेगेटिव आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव ना आए, क्योंकि कंप्रेशन जब करेंगे ना तो वर्क क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करना चाहते हैं तो वर्क क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए मैं इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस मैंने डाल दिया, पी एक्सटर्नल खुद से माइनस डाल दिया, डेल्टा वी। देखिए इस माइनस से क्या हुआ, आपने कंप्रेस किया ना, आपने इनिशियल से फाइनल तक लाया, आपने इसको कंप्रेस किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा वी आएगा नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम से। तो डेल्टा वी जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आपने आगे रख दिया, जब आगे नेगेटिव रख दिया ये इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो आपने इस नेगेटिव डालने से क्या हो गया, ये खुद पॉजिटिव बन जाए। अगर अब ये नहीं होता, एक्सपेंशन होता, ठीक है, एक्सपेंशन होता, आपका क्या हो जाता है, यहां पर इक्वेशन को चेंज करना है, नहीं आपको इक्वेशन को चेंज नहीं करना है, ये जो आपने माइनस इसमें डाला ना ये खुद इसमें ये काम करेगा, लीजिए ऐसे, एक्सपेंशन, या इसमें गैस मॉलिक्यूल है तो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। आपका पहला वॉल्यूम था ये, V इनिशियल, ये एक्सपेंड हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो ये यहां पहुंच गया, V फाइनल, ठीक है। यहां पर ज्यादा कौन है, फाइनल ज्यादा है ना, और इनिशियल क्या है, कम है, तो जब फाइनल ज्यादा है, दिस इज केस ऑफ एक्सपेंशन, या जिसको आप कहते हो वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वी फाइनल ज्यादा है इनिशियल से तो क्या होगा, वी फाइनल जब ज्यादा है इनिशियल से तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, जब पॉजिटिव टर्म आएगी डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपने आगे नेगेटिव रखा है ना तो वर्क खुद नेगेटिव चली जाएगी। तो उसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपको दोनों टाइम यूज करनी है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, क्योंकि आपने इसमें नेगेटिव रख दिया, ये नेगेटिव काम करेगा जब इसको एक्सपेंशन का काम दिखाना होगा और जब इसको कंप्रेशन का काम दिखाना होगा। दैट मीन्स चेंज नहीं करना है टर्म को, ये जो माइनस है ना, माइनस खुद काम करेगा कि इसको एक्सपेंशनल वर्क आप कर रहे हो क्योंकि वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन आपको याद रखनी है, W दैट इज द वर्क कब करी आपने आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल किया, इरिवर्सिबल क्या होता है वो देखेंगे, माइनस, माइनस का काम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव रहेगी, वो ये माइनस काम करवाएगा इसको,
पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर कितना था और वॉल्यूम चेंजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है। अगर कंप्रेशन है तो डेल्टा वी माइनस होगा, माइनस माइनस टोटल वर्क पॉजिटिव बन जाएगी। अगर एक्सपेंशन है तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो वर्क टोटल में फिर माइनस रहेगी। दैट मीन ये माइनस इसको काम करवाएगा खुद कि इसको नेगेटिव वर्क रहना है कि इसको पॉजिटिव वर्क रहना है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉम्प्रेशन हो। चलिए ग्राफिकली इसको दिखाए, ये जो आपने किया ना, आप इसको ग्राफिकली दिखाए। प्रेशर वॉल्यूम, आपने प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रखा था, लेकिन क्या वो चेंज हुआ? नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज हो गया, इंटरनली क्या हुआ उससे हमें गर्ज नहीं है, हम एक्सटर्नल प्रेशर को देख रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। पिस्टन यहां से यहां चला गया तो वॉल्यूम चेंज हुआ? हाँ वॉल्यूम चेंज हो गया। लीजिए इनिशियली इसका वॉल्यूम ये था, जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया इसका वॉल्यूम, या ऐसे माने इनिशियल वॉल्यूम इसका ये था, अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो इनिशियल वॉल्यूम ये था, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, आपने पिस्टन को मूव किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर इसमें चेंज नहीं हुआ। दिस इज द पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल ये चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम ये हो गया, ठीक। यहां पर ग्राफ में जो ये एरिया आ रहा है, जो एरिया आ रहा है, एरिया दैट इज इक्वल टू वर्क एंड दैट वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे देखें, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हुआ तब ये स्ट्रेट चला, सिर्फ चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट मीन इस एक्सिस पे कोई चेंज नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ इस एक्सिस पे चेंज हो रहे हैं वी इनिशियल से वी फाइनल, ठीक है, कंप्रेशन अगर आप कर रहे हो। So this can be shown as graphical, graphical से भी हमने ऐसे दिखाया। अब हमारे पास एक ही वर्ड रहता है, ये irreversible का मतलब क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल सकता है distinguish between irreversible and reversible। आपने किया क्या, आपने पिस्टन पे प्रेशर रखा था हाई, पिस्टन यहां पर था, पिस्टन पे आपने प्रेशर रखा था हाई, ये आपका पिस्टन था, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम ये था, आपने पिस्टन पे प्रेशर रखा हाई, उसकी वजह हाई रखने की वजह से क्या हो गया, पिस्टन एकदम से अंदर चला गया। जब पिस्टन एकदम से अंदर चला गया तो काम हो गया, काम तो हो गया, बट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल मतलब होता है दैट मीन आप इसको बराबर इनिशियल कंडीशन पे वापस नहीं ला सकते, दैट मीन जैसी इसकी पहले हालत थी ना, दैट मीन जब पहले इनिशियल वो हालत थी, इनिशियल जो कंडीशंस थी सिस्टम में, आप वही चीज एक्यूरेटली वापस नहीं कर सकते। आप मुझे बोल सकते हो यहां पर सर क्यों नहीं कर सकते, अगर हमारे पास ये इनिशियल ये था, ठीक है ना, हमने इसको प्रेशर बढ़ाया तो ये पहुंच गया इधर फाइनल, ठीक। अगर हम इसको वापस लाएंगे इधर इस पोजिशन पे, क्या ये बराबर नहीं आएगा? थर्मोडाइनेमिकली इसकी बराबर कंडीशन अचीव नहीं होगी, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारी एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके क्लासरूम में वहां पर होते हैं, जैसे आपने क्लासेस दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं कह रहा हूं, एकदम मुझे मूड आ गया, मैं कह रहा हूं सब बच्चों को निकल जाओ क्लास से, मैंने दरवाजा खोल दिया, कह दिया निकल जाओ, जैसे आप लोग निकलते हो, आप लोग सारे एक साथ बाहर निकल गए, ठीक है ना। जब आप एक साथ बाहर निकल गए दैट मीन्स क्लासरूम सारी खाली कर दी, फिर मैं बाहर गेट पे अनाउंस करूं, दैट मीन आप क्लास में बैठे थे पहले, पढ़ाई कर रहे थे, मुझे मूड आ गया, मैं आपको कह रहा हूं बंद करो और निकल जाओ, तो आप तो निकल गए, लेकिन उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं नहीं, अब आप बाहर से अनाउंस करवा रहा हूं, बाहर गेट पे जो बंदा है वो आपको कह रहा है नहीं वापस जाओ, अभी नहीं निकलना है। आप वापस आ गए, आप अपनी सीट्स पे बैठ गए, क्या वो जिस हालात एनर्जी के हिसाब से देख लो, जिस हालात में आप पहले थे, क्या आप वही बराबर अचीव करोगे 100%? ऑब्वियसली नॉट। तो आपकी वो कंडीशन बराबर वापस नहीं होगी।
तो दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि आपने यहां पर प्रेशर रखा था जो हाई था, जिसकी वजह से क्या हो गया, पिस्टन एकदम से यही यहां चला गया. अब वो वापस अचीव करना वैसी हालत, बराबर वॉल्यूम तो कर सकते हैं लेकिन वैसी हालत थर्मोडायनेमिकली एनर्जेटिकली हर किसी मॉलिक्यूल की वैसी ही एनर्जी वापस लाना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ये जो काम किया ना अपने एक झटके में किया. You do it in a very fast manner. आपने एकदम से किया इसको काम. So this type of process, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, irreversible process. इस process को क्या बोला जाता है, irreversible process. समझ आ गया. जो भी काम एक step में हो जाए, that means piston यहां यहां, अब इसको वापस अपनी बराबर वही हालत देना possible नहीं है. तो हम कहते हैं कि this process is irreversible. So irreversible processes क्या होते हैं, which is very fast. Which takes place in one step, जो एक step में हो जाए, ठीक है ना, इसको achieve करना वापस मुश्किल है. तो इसको आप वापस achieve नहीं कर सकते हैं. So this process is known as irreversible. तो ये जो आपके पास final equation रही, ये किसके लिए आप use करोगे, W irreversible P external, pressure change नहीं हुआ, बाहर वाला pressure change नहीं हुआ, डेल्टा वी, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो उसके लिए आपने माइनस लगा दिया, और टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल. आया समझ, आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. इरिवर्सिबल का मतलब आपने बाहर वाला प्रेशर चेंज नहीं किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, आपने चेंज नहीं किया, कॉन्स्टेंट है, हाई है, ज्यादा है, जिसकी वजह से पिस्टन एकदम से अंदर चला गया, ठीक है, एक ही स्टेप में अंदर चला गया. प्रोसेस क्या है, फास्ट. आप इसको वापस जो कंडीशन थी एनर्जेटिकली, जो कंडीशन थी हर किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी, आप इसको वापस नहीं ला सकते हो. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल. तो ये हो गया हमारा एक टाइप का काम. चलिए दूसरा टाइप ऑफ काम देखते हैं. इसी में आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रख रहा हूं, लेकिन अब देखेंगे रिवर्सिबल. रिवर्सिबल अब जो काम करेंगे वो कैसे करेंगे, रिवर्सिबल. ये था पिस्टन, दिस इज वी इनिशियल, जैसे इससे पहले देखा इसमें गैस है, मुझे इसमें कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, मुझे पहुंचना है कहां पर, वी फाइनल तक, मुझे फाइनल तक पहुंचना है, ठीक है, जैसे उसमें किया हमने. यहां अंदर गैस है, ठीक, यहां पर गैस है, गैस मॉलिक्यूल से भरी हुई है, ये आइडियल गैस, मैं अब बाहर कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, अंदर भी प्रेशर होता है उसको कौन सा प्रेशर कहते हैं, इंटरनल प्रेशर, वो किसकी वजह से है, गैस की वजह से. अगर मैं कंप्रेशन कह रहा हूं, मुझे इसको कंप्रेस करना है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, P external is equivalent to P internal plus dP. देखिए इसका मतलब, that means external pressure और internal pressure बराबर था, लेकिन थोड़ी सी फर्क है. थोड़ी सी फर्क क्या है, थोड़ी सी फर्क यह है कि आपने इसमें dP लगाया, dP मतलब होता है थोड़ा सा ज्यादा है, बाहर थोड़ा सा ज्यादा है. आप ऐसे लीजिए, ये जो है ना, अगर हम ऐसे कहें, ये जो पिस्टन है ठांड छो, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर है, तो ये पिस्टन मूव होगा, नहीं होगा. अब आपने क्या कर दिया, आपने इस पिस्टन के ऊपर एक सैंड का दाना लगा दिया, से कि फॉल थ्रोवर पर, जब इसमें सैंड लगा दी एक एक अख से कि फॉल थ्रोवर पर, तो क्या होगा, थोड़ा सा बाहर पलड़ा ज्यादा हो गया ना, बाहर का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस थोड़े से ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, ये पिस्टन थोड़ा सा चला,
ये थोड़ा सा चला, रखिए ना पोकी बोन पर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने दूसरा सैंड का, ये जो आप इसमें रख रहे हो सैंड, एक पीस डाल दिया। अब मैंने क्या किया, मैं दूसरी बार जब ये यहां पहुंचा आखिर से ना पोकी बोन, एक थोड़ा सा एक आगे चला, उसके बाद आपने क्या किया, आपने सैंड का एक और दाना इस पे डाल दिया, दूसरा दाना डाल दिया। अब फिर से बाहर ज्यादा है ना, ये फिर चला, ठीक। अगर मुझे कोई कहेगा सर नहीं मुझे वापस अपनी कंडीशन पे जाना है, तो हम जा सकते हैं। मुझे क्या करना है, सैंड का एक दाना यहां से हटाना है, ये ऊपर चला जाएगा। सो यू कैन गो फॉरवर्ड, यू कैन गो बैकवर्ड, दैट मीन एक स्टेप आप जब करोगे तो आप आगे जा सकते हो। आपको किया ही क्या, आपने सिस्टम को उतना ज्यादा डिस्टर्ब तो किया नहीं, आपने सैंड डाला, सैंड की वजह से यहां चला गया। अगर मैं सैंड वापस उठाऊं ये वापस चला जाएगा, दैट मीन्स रिवर्सिबल, आप वापस जा रहे हो। लेकिन रिवर्सिबल कैसे पॉसिबल है, रिवर्सिबल पॉसिबल है जब आप बहुत आहिस्ता कर रहे हो, आप ये प्रोसेस स्टेप्स में कर रहे हो, तब जाके एक स्टेप पे आगे और पीछे चला जा सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने एक और सैंड डाला, दैट मीन मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे बढ़ रहा हूं, फिर और एक सैंड पीस डाल दिया। तो आपने स्टेप्स बहुत सारे ले लिए एंड फाइनली यू रीच्ड द हियर, फाइनली पिस्टन आपका यहां पहुंच गया, फाइनली आपका पिस्टन यहां पर होगा, आपका पिस्टन यहां पर पहुंच गया। लेकिन आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए एंड यू गो वेरी स्लोली, फर्क देखिए ना, डिस्टिंग्विश करना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। आपने बहुत आराम से किया, आपने हर स्टेप पे एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज किया, क्योंकि आप बाहर से सैंड डाल रहे हो, थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा रहे हो सैंड को, अखक फोल चुस्त्रावा, दैट मीन्स हर पॉइंटर्स पर जो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, हर किसी स्टेप पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, उसी की वजह से ये अंदर जा रहा है। बट दिस प्रोसेस इज व्हाट, दिस प्रोसेस इज दैट मीन दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल अगर मैं यहीं पर डिस्टिंग्विश कर दूं, रिवर्सिबल क्या है, which takes place very slowly, ठीक है, and which in which external pressure is not constant, external pressure constant नहीं था, external pressure और internal pressure में फर्क कितना है, थोड़ा सा फर्क है। आप dp बढ़ा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, आप एकदम से नहीं बढ़ा रहे हो, आप dp को जो बढ़ा रहे हो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बढ़ा रहे हो, ठीक। तो ये बहुत सारे स्टेप्स में जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, ये स्लो प्रोसेस है, आप हर किसी स्टेप पे वापस जा सकते हो, आप हर किसी स्टेप पे वापस जा सकते हो। ऑल्दो बराबर 100% वही चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप ऐसे भी करोगे ना 100% वही चीजें बराबर अचीव करना, यानी जब कोई आगे जाएगा और फिर वापस जाएगा 100% क्या ये वापस उसी कंडीशन में है, एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम कहते भी है कि जो रिवर्सिबल होता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, कि जो पहली हालत थी वो हालत वापस अचीव करना, दैट इज, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अगर ये हो गई कंप्रेशन की बात, अगर एक्सपेंशन की बात होती ऐसे चलता, यहां पर था इनिशियल पोजीशन ये थी, फिर इस वक्त क्या होता, यहां पर इसको ऊपर जाना है ना, ऊपर जाने के लिए कंडीशन ये बनती, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी, दैट मीन एक्सटर्नल प्रेशर कम है, यहां से एक्सटर्नल प्रेशर है, यहां से कौन सा है इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम है थोड़ा सा एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो उसकी वजह से ये जो ढक्कन है ये ऊपर जाएगा ना, अंदर इसमें प्रेशर ज्यादा, इसमें ज्यादा पी इंटरनल से ज्यादा, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चला जाएगा, दैट इज द कम एक्सपेंशन। तो पहुंच गया यहां पर, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, इंटरनल ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द
थोड़ा सा पी एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ी सी फर्क होती है, तो ये जाके स्टेप स्टेप करके ले जाता है, एक छोटे छोटे स्टेप्स करके यहां तक पहुंच जाता है, दैट इज एक्सपेंशन। चलिए अब मैथमेटिकली देखेंगे इसको, मैथमेटिकली कैसे लाएंगे इसकी इक्वेशन। इस पे आप समझिए कंप्रेशन, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिए लिए, आपका था एक, चलो मैं एक स्टेप के लिए लिख रहा हूं dw, दैट मीन जब आप यहां से यहां गए इसमें आपने काम कितना किया, इस छोटे से स्टेप में काम आपने कितना किया dw, वहां पर प्रेशर कितना था, वहां पर प्रेशर था हम ऐसे लिखते हैं ना माइनस, माइनस तो अब जरूरी लगाना है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, पी एक्सटर्नल डी वी, इस छोटे से पोर्शन में इस यहां से यहां तक कितना काम हुआ डी डब्ल्यू, और इतना वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम कितना चेंज हो गया डी वी, वर्क हो गया डी डब्ल्यू और वॉल्यूम कितना चेंज हो गया डी वी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। इस मैं एक स्टेप की बात कर रहा हूं, इस छोटे वाले स्टेप की बात कर रहा हूं जब ये यहां से यहां तक गया, ठीक है। अब अगर आपको एक स्टेप विच वर्क किस पर कर, आपने वर्क निकाला इस वाले जब पिस्टन यहां से यहां गया एक स्टेप में, तो आपने निकाला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है ना। लेकिन आपको पूरे में वर्क निकालना है ना यहां से यहां तक, तो आप क्या करोगे बेटा, आप इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब इस करो कि सारे वर्क एड, ये पटी होता है डी डब्ल्यू ब्याह डी डब्ल्यू ब्याह डी डब्ल्यू, अच्छा वायर डी डब्ल्यू क्या स्टेप काम, तो जब इन सब वर्क को एड करना है कंटिन्यूअस समेशन के लिए सबसे अच्छी टर्म मानी जाती है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां से कहां, इनिशियल था वी आई और फाइनल था वी एफ, लिमिट्स आपने डाले वी इनिशियल टू वी फाइनल, ठीक है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए मैं इस पी एक्सटर्नल को हटा दूं, आपको पता है ना यहां पर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में थोड़ी सी फर्क है, या ऐसे लिखते हैं पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डीपी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड ठीक सबस्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन वन, ये आप नोट करके रखिएगा। तो जब आप सबस्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास बनेगा W इज इक्वल टू वर्क को, जब वर्क साइड से भी आपने ये था इक्वेशन डी डब्ल्यू, आप इस साइड से भी इंटीग्रेट करना, इस साइड से वी फाइनल वी इनिशियल पी एक्सटर्नल की जगह आप पी इंटरनल प्लस डीपी, बाहर तो माइनस है ही, यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा कि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, ठीक है। जैसे एक्सपेंशन में था माइनस डीपी, यहां पर कंप्रेशन में था प्लस डीपी और है डीबी। दिस इज इक्वेशन थर्ड, तो इंटीग्रेट आप जब किया आपने इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का बन जाएगा डब्ल्यू टोटल वर्क, नाउ दिस डब्ल्यू इज टोटल वर्क माइनस, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वी एफ वी इनिशियल पी इंटरनल डी वी, मैं डी वी को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस डीपी डीवी। इसमें प्रेशर भी स्मॉल, डीपी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, डीवी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दो चेंजेस हैं स्मॉल है, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट करेंगे स्मॉल चेंज इन प्रेशर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इसको हमने नेग्लेक्ट किया, तो हमारे पास डब्ल्यू कितना बचा पी इंटरनल डीवी वी इनिशियल वी फाइनल इक्वेशन फोर।
नाउ ये जो पी इंटरनल है, पी इंटरनल किसका प्रेशर था? गैस का प्रेशर था, और आपने आइडियल गैस लिया, स्टेट्स ऑफ मैटर याद कीजिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इक्वेशन फाइव, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन फोर, ठीक है, इक्वेशन फाइव को सबस्टिट्यूट कीजिए फोर में, तो आपका बन जाएगा डब्ल्यू माइनस एन आर टी वी डी वी इक्वेशन सिक्स। आप जरा मुझे बताइए, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नोट करके रखिएगा साइड में। आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ये चेंज हो रहे हैं, जब हमने प्रोसेस किया, कंप्रेशन किया, ये चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुआ, आर चेंज नहीं हुआ, टी चेंज नहीं हुआ, आइसोथर्मल है तो टी चेंज नहीं हुआ, तो जो कॉन्स्टेंट ये एन आर टी, ये कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई जब हमने कंप्रेशन किया, तो ये बाहर करेंगे माइनस एन आर टी, लिमिट्स याद रखिएगा, वी इनिशियल वी फाइनल, वी इनिशियल वी फाइनल, बचा क्या अंदर, डी वी बाई वी, ठीक, डी वी बाई वी। अब आपके पास ये इक्वेशन बच रही है, इंटीग्रेशन आप समझिए, आप कर रहे हो डीएक्स बाय एक्स, याद है आपको फिजिक्स में डीएक्स में एक्स जब इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज लिन ऑफ एक्स। ये लिन क्या होता है? इट इज लॉग टू द बेस 2.303, ठीक। अगर इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है लिन को, तो हम लगाते हैं 2.303 लॉग एक्स, लिन इट इज नथिंग, इट इज अ लॉग, लेकिन लॉग में अगर कन्वर्ट करना है, दैट इज 2.303 लॉग। तो देखिए डब्ल्यू माइनस एन आर टी, इसका क्या बना इंटीग्रेशन, लिन, लिन किसका है, वी का है, एक्स का नहीं है ना, वी का है, लिमिट्स क्या है, वी इनिशियल वी फाइनल, ठीक। आपने यूज की ये फॉर्मूला डब्ल्यू माइनस एन आर टी, दिस इज, अगर लिमिट्स आप देगो इसमें ली फाइनल, लिन फाइनल माइनस लिन इनिशियल, मैं आई लिख रहा हूं, आई लिख रहा हूं, पूरा देख लीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। इट इज अ लॉग, आपको ये भी पता ही होगा लॉगरिथम फॉर्मूला में, लिन हो या लॉग हो, मैंने बताया आपको फर्क कितना है 2.303 का, लॉग एम माइनस लॉग एन वो किसके बराबर होता है, लॉग एम बाई एन। तो मैं यहां पर लगा सकता हूं ना ये फॉर्मूला, माइनस एन आर टी लिन, ठीक है, वी एफ, जो लॉग की फॉर्मूला है वो लिन पे भी लगती है, लिन वी एफ वी आई, जैसे आपने एम और एन को लगाया एम बाई एन, वी एफ माइनस वी आई, वी बाई वी एफ बाई वी आई, तो ऐसे लगा सकते हैं। चलिए लिन को हटाते हैं, सीधे लगाते हैं लॉग, तो लिन आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर टी लॉग वी इनिशियल बाय वी, सॉरी वी फाइनल, एफ फाइनल आई इनिशियल। तो ये बन गया आपको वर्क, कहां पर, दिस वर्क इज कब, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और कौन सी कंडीशन आपने लगाई थी इसमें, आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये दोनों के लिए है, चाहे कंप्रेशन हो, ये दोनों के लिए फिट हो जाएगी, एक्सपेंशन हो, क्योंकि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में फर्क कहां था, प्लस डीपी माइनस डीपी, लेकिन वो डीपी वाली टर्म ही हट गई ना, फिर वो
ठीक है ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। ये जो माइनस है ये वर्क को रखेगा पॉजिटिव, कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब आप कंप्रेस करोगे, क्योंकि देखिए देख लीजिए आप, इन कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होगा वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, सॉरी वी एफ इज लेस देन वी आई, ये कम होगा, कंप्रेसर करो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऐसा कम इनिशियल खुद, तो जब फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल से तो क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव आएगी, ये जब ये टर्म नेगेटिव आएगी, आगे नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो वर्क इज, वर्क जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा खुद, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव बनेगी, ये इसको पॉजिटिव बना देगा। इन एक्सपेंशन, आपको एक्सपेंशन के लिए अलग से डिराइव करना है, नहीं आप इसी को यूज कीजिए, उसमें क्या होगा, वी फाइनल ज्यादा होगा वी इनिशियल से, जब ये ज्यादा होगा इससे तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, जब पॉजिटिव आएगा आगे नेगेटिव है तो अल्टीमेटली डब्ल्यू क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये अब दोनों के लिए यूज होगी, चाहे आपका एक्सपेंशन हो चाहे आपका कंप्रेशन हो। आप यहां पर कह सकते थे सर आपने अंदर प्लस डीपी लिखा ना, एक्सपेंशन में तो माइनस डीपी लगता है, लेकिन उस वो आगे जाके इसमें नेगलेक्ट ही हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने उस टर्म को नेगलेक्ट किया तो इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ा। फाइनल इक्वेशन आपके पास ये हो गई, सामने आपकी है दिस वन, सो दिस इज अ वर्क डन, आप इसको रख सकते हो। आप एक और इस फाइनल इक्वेशन में एक और चेंज कर सकते हो, अगर आपको बॉयल्स लॉ याद होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, जहां पर आप कहते हो ऐसे पी इनिशियल वी इनिशियल, पी फाइनल वी फाइनल, आपने शायद वहां पर लिखा होगा पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, यहां पर वन टू नहीं हम लिख रहे हैं, इनिशियल इनिशियल और फाइनल फाइनल लिख रहे हैं। तो वी फाइनल, अगर इस इक्वेशन को देखे, वी इनिशियल V final by V initial is equivalent to P initial divided by P final. तो main equation आप number दीजिएगा, substitute कीजिए, substitute in main equation, last वाली equation, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते थे W कब reversible में, minus 2.303 NRT log वहां पर फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम था, हम लिखेंगे पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ, वॉल्यूम से हटाई, प्रेशर से इक्वेशन लगाई, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रखिएगा। तो दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में कैसे और इरिवर्सिबल में कैसे, लेकिन आइसोथर्मल कंडीशंस में। चलिए अब लास्ट में जो अब इतनी चीजें सीखी, इस पे कुछ देखना है हमें, कुछ क्वेश्चन देखेंगे पहले। वर्क इन दिस, या ऐसे कहेंगे वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप वर्क कैलकुलेट कीजिए जब वैक्यूम होगा, जब फ्री एक्सपेंशन होगा, वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन जब भी होता है तो आपको याद रखना है पी एक्सटर्नल जीरो होता है, पी एक्सटर्नल जीरो होता है। अब रिवर्सिबल, अगर आपके पास इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है तो आप कैसे निकालते हो, आप निकालते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, जब पी एक्सटर्नल जीरो है तो डब्ल्यू क्या बनेगा, जीरो। अगर रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में आप लगाते हो डब्ल्यू, ऐसे करते हो ना माइनस, पहले तो पी एक्सटर्नल ही होता है, डीवी, फिर आप चेंज करते हो, लेकिन पी एक्सटर्नल जीरो है ना, आप यहीं पर काम हटाओ जीरो, दैट मीन्स चाहे
रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, अगर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, तो इसका मतलब तो वहां पर वर्क डन जीरो। ये याद रखिएगा, वैक्यूम पूछेगा या पूछेगा फ्री एक्सपेंशन, तो इसका मतलब ही हो गया कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, जीरो है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन रिवर्सिबल प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर चेंज हो गया, हाँ एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो गया, हमने देखा कि हम सैंड का एक एक दाना उसमें लगा रहे थे तो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा था, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था। सो एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर चेंज होता है। सो इसमें ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, वो वाला नहीं, इसका जो एरिया है आप यहां पर जैसे उसका एरिया निकाला था ना, तो यहां पर वर्क ऐसे निकाला जाता है, एरिया जो ग्राफ कर्व के अंडर एरिया है वो आपका वर्क देगा, एरिया इज इक्वल टू वर्क, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे दिखा सकते हो रिवर्सिबल में। अब बोर्ड के लिए अगर आपको ऐसे पूछे, डिस्टिंग्विश कीजिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फर्स्ट पॉइंट इट टेक्स प्लेस इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ये बहुत सारे स्टेप्स लेता है होने में, इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ये एक स्टेप में हो जाता है। सेकेंड इट टेक्स प्लेस इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें लिख रहे हैं इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, सेकेंड वाला इसमें एट ईच स्टेप, हर किसी स्टेप पे देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, मतलब पीछे भी जाया जा सकते हैं, इसमें अपनी पिछली वाली कंडीशन अचीव कर सकते हैं, एट ईच स्टेप देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स, इसमें कोई इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये तो इरिवर्सिबल, आप पीछे नहीं जा सकते, अपनी पिछली वाली कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको समझाया पीछे। थर्ड वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो है, थर्ड इसमें वेरी फास्ट प्रोसेस, और याद रखिएगा ये पॉइंट लास्ट, इसमें एक और पॉइंट में डाल रहा हूं, एक्सटर्नल दैट मीन्स वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, नो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। देखिए इसमें क्या मतलब है इसका,
अगर आपको दो चीजें दी जाए, आपको बोला जाए आप एक काम करो रिवर्सिबली और एक काम करो इरिवर्सिबली, एक्सपेंशन करना है, दैट मीन पिस्टन को ऊपर उठाना है, जब वो आप बहुत ही आहिस्ता स्टेप्स में करते हो तो आपकी एफिशिएंसी वहां पर ज्यादा अच्छी रहती है, दैट मीन वर्क बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बहुत स्लोली उसको कर रहे हो ना, तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। अगर आप वही प्रोसेस कैसे कर रहे हो इरिवर्सिबली, जल्दी एक स्टेप में कर रहे हो, तो वो प्रोसेस उतना उसमें वर्क जो होना एफिशिएंट वर्क नहीं माना जाता, उसमें जो वर्क होता है कम होता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट, आप इसको याद ही रख ले वही आपके लिए काफी, कि जब वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो वो मैक्सिमम होता है। दैट मीन शॉर्ट में बताऊं, काम जो होता है ना ज्यादा एफिशिएंट कब होता है, जब आप बहुत स्लोली कर रहे हो, स्टेप्स में कर रहे हो, वो टाइम ज्यादा लेगा लेकिन वो काम ज्यादा एफिशिएंट रहता है। दैट इज, ये तो हमें प्रैक्टिकली भी पता है, वो काम ज्यादा अच्छा रहता है जब एज कंपेयर टू दैट जो एक ही स्टेप में प्रोसेस हो जाए, ठीक। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड इट। ये हो गए, आप इसके डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और हां, ये भी एक और पॉइंट इसमें लगा देंगे, 5 पॉइंट्स कर देंगे। दिस टेक्स इनफिनाइट टाइम, इसमें फिर बहुत सारा टाइम लगेगा, इनफिनाइट टाइम। अगर मैं बोल रहा हूं आपने 100,000 स्टेप लिए, 100,000 स्टेप स्टेप्स में कितना टाइम लगा, बहुत टाइम, दिस टेक्स इनफिनाइट टाइम, सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। रिवर्सिबली करना प्रैक्टिकली बहुत ही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल रिवर्सिबल के लिए आपको लेने हैं इनफिनाइट स्टेप्स, ऑल द प्रोसेसेस इन नेचर, जो प्रोसेसेस हम देखते हैं दुनिया में जो हो रहे हैं इन नेचर आर इरिवर्सिबल। दैट मीन जो दुनिया में प्रोसेसेस होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे कह रहा है कि यहां से यहां जाओ, लेकिन मैं जाने में बहुत इतना स्लो जा रहा हूं। दैट मीन आप देखते रह जाओगे, मेरी डिस्टेंस जैसे चेंज ही नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं चेंज हो रहा हूं। दिस लाइक दैट, कि ये इसमें आपको इनफिनाइट स्टेप्स लेने हैं। इनफिनाइट का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं, दैट इज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होता ही नहीं है। लेकिन जो प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं दैट इज रिवर्सिबल। और याद रखिएगा, वो भी रिवर्सिबल में हमने कहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है, लेकिन इंटरनल इसमें ना इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता, जो आपने ग्राफिकली भी देखा। दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। इसके क्वेश्चन हम आगे देखेंगे।